अस्सलाम वालेकुम। आज हम कवर करने वाले हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इससे पहले प्रोग्रामिंग तकनीक का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें हमने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को कवर किया, फिर ऊप को किया। आज हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग को करें। स्ट्रक्चर और ऊप को हम C++ में एक्चुअल में भी पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ हमने ओवरव्यू देखा है कि ये कौन सी तकनीक होती है या इसमें प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, कुछ इवेंट होगा तो कुछ एग्जीक्यूट होगा, यानी ऐसी तकनीक जिसमें जो हमने स्टेटमेंट लिखा है प्रोग्राम के अंदर, हमने जो कोड लिखा है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब कोई पार्टिकुलर या कुछ स्पेसिफिक इवेंट हैपन होगा। तो इवेंट क्या है? इवेंट का मतलब कुछ भी अक्कर होना, कुछ भी हैपन होना, ठीक हो गया। जब भी कुछ हैपन होता है उसके रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अब ये कैसे होता है, जैसे कि उन्होंने कहा यहाँ पे क्लिकिंग द माउस बटन, हम माउस बटन पर जब क्लिक करते हैं, जब हम डबल क्लिक करते हैं गूगल के आइकन के ऊपर, तो एक स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूट होती है, स्टेटमेंट जो कोड लिखा है उसके बाद वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर जो कर्सर आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं माउस को मूव कर रही, तो आपको कर्सर मूव होता नजर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आ गया, आप देखे कर्सर जैसे ये फ्रॉम के ऊपर आया तो इसकी शेप चेंज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई थी कोड में जिनमें ये था मेंशन के जैसे ही ये कर्सर इधर आए तो ये क्या हो जाए, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए और कर्सर चेंज हो जाए। अब जैसे ही मैं राइट क्लिक कर रही हूँ अपने माउस पर, तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है एक बॉक्स अपेयर हो चुका है जिसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ये बॉक्स, ये कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि ये बॉक्स तब ओपन हो जब राइट क्लिक माउस इवेंट हैपन हो, यानी कुछ इवेंट हो रहा है उसके रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होंगी। तो यहाँ पर उन्होंने ये इवेंट बताया कि ये वाले इवेंट हैपन हो सकते हैं, जैसे ही हम ये वाले इवेंट हैपन करेंगे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग तकनीक क्या है, इसमें जो स्टेटमेंट होती है वो तब एग्जीक्यूट होती है जब कोई इवेंट अक्कर होता है, यानी इवेंट के रिस्पॉन्स में जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, ऐसे तरीकेकार को हम क्या कहेंगे, ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब यूजर राइट क्लिक करेगा ऑन अ विंडो, विंडो पर तो एक पॉप मेन्यू अपेयर हो जाएगा, यानी एक मेन्यू कब अपेयर होगा, जब एक इवेंट अक्कर होगा राइट क्लिक का। इसी तरह व्हेन द यूजर प्रेस अल्टर प्लस F4 द करंट विंडो इज क्लोज। अभी के लिए अगर मैं यही की प्रेस करूं तो हमारी जो इस वक्त ये करंट विंडो ओपन हुई है जिसमें ये मैंने एक PDF फाइल ओपन कर रखी है, ये क्लोज हो जाएगी। तो अभी के लिए तो मैं इसे क्लिक नहीं करूंगी, लेकिन आप अपने इस पे क्लिक करके देखिएगा अगर आप PC वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं लैपटॉप का। तो जैसे ही आप ये वाली की का इस्तेमाल करेंगे तो एक करंट विंडो, जो इस वक्त विंडो आपकी ओपन होगी, वो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट है। जैसे ये इवेंट अक्कर होगा तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी जिसके मुताबिक विंडो को क्लोज हो जाना चाहिए। व्हेन द यूजर क्लिक ऑन प्रिंट बटन द फाइल इज प्रिंटेड। अब जैसे ही प्रिंट बटन पे क्लिक किया जाएगा फाइल प्रिंट हो जाएगी। हमने कोई इवेंट अक्कर किया और उसके रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान और सिंपल है कि कोई इवेंट अक्कर होगा, यानी कोई इवेंट अक्कर होगा उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, उस इवेंट के रिस्पॉन्स में स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो उस इवेंट के साथ रिलेट कर रही होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। जैसे कि माउस के बटन पर क्लिक करने पर एक अलग से स्टेटमेंट होगी जो कि एग्जीक्यूट होगी। अगर हम कोई टाइपिंग वगैरह करते हैं करेक्टर को कीबोर्ड के जरिए, तो उस वक्त एक अलग स्टेटमेंट ऑफ कोड होगा, अलग से प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट लिखी गई होंगी जो कि तब एग्जीक्यूट होंगी जब आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ इवेंट है और इन इवेंट के रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो इस तरह का तरीकाकार या इस तरह से प्रोग्राम लिखना कि कुछ इवेंट के रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या प्रोग्राम रन करे, उसको हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग कहते हैं। इन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग द प्रोग्रामर राइट कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ पार्टिकुलर इवेंट अकर। अब इवेंट ड्रिवन में जो प्रोग्रामर है, यानी जिसने कोड लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, वो कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब एक इवेंट अक्कर होगा, पार्टिकुलर इवेंट अक्कर होगा, यानी जो स्टेटमेंट आपने लिखी है जिस इवेंट के लिए लिखी है, जब वो इवेंट अक्कर होगा तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। नॉर्मली इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग तकनीक इज यूज विद यूजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। जो यूजुअल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता है वहां पर ये तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यूजुअल का मतलब ये है कि जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है, शो हो रहा होता है, उसको हम यूजुअल कहते हैं। और अगली वीडियो में हम यूजर प्रोग्रामिंग के टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने क्या पढ़ा उसे रिवाइज करते हैं कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग का मतलब ये है
कि ये एक ऐसा तरीका कार है जिसमें स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होंगी जब कोई इवेंट अक्कर होगा, यानी जब कोई इवेंट अक्कर होता है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होती है। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अभी तक जितना भी हमने कवर कर लिया आपने पीछे से उसे साथ साथ रिवाइज करना है ताकि आप अपने इस लॉन्ग टॉपिक के साथ रिलेट में रहे, यानी आपको पता हो कि ये एक अलग अलग टॉपिक नहीं कह रहे हम, एक लॉन्ग क्वेश्चन कह रहे हैं जो कि है प्रोग्रामिंग तकनीक का। अलग अलग से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर मैं चाहती थी तो सारे का सारा जो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में कवर कर देती, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं। मेरा मकसद ये है कि अगर मैं एक टॉपिक आपको समझा रही हूँ तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कवर हो गया और इसको हम C++ में इस चैप्टर के बाद हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग ही स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे अपना ऊप पे, फिर हम ऊप को कवर करेंगे। इस तरह से C++ के हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, वन बाय वन कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन है या समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।